नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ संजय सिंह और आप देख रहे हैं आईएसपीसीएस एसएससी क्लासेस। 18 नवंबर को जो यूपीटीईटी प्राइमरी लेवल का फर्स्ट मीटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पर्यावरण अध्ययन की आंसर की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ये क्वेश्चन हो सकता है आयोग को गलत मानना पड़े, क्योंकि इसका सही क्वेश्चन होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है तो उसका आंसर होता तालाब, क्योंकि हवा, जल, मृदा ये सब पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, जीव जंतु और मनुष्य ये सब पारिस्थितिक तंत्र के एग्जाम्पल माने जाते हैं, हवा, जल, मिट्टी। तो यहाँ पर आंसर होना क्वेश्चन होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है, तब वहाँ पर तालाब मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन जीवीय कारक नहीं है? प्रस्तर। रॉक्स जीवीय कारक नहीं होते, रॉक्स मीन्स होती चट्टाने। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इंग्लिश वर्जन देखिए, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मींस होता है पर्यावरण, हमारे चारों ओर का आवरण। तो ये सब जो है वायुमंडल ही इसका सही आंसर है। इसके बाद आइए देखते हैं 124 नंबर। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को डीकम्पोजर कहा जाता है। डीकम्पोजर क्या होते हैं कि ये जो मृत जीव जंतु होते हैं जैसे जीवाणु और कवक, ये उनमें उनको छोटे छोटे सूक्ष्म घटकों में तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं, ये डीकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, कवक और जीवाणु आपने पढ़े होंगे, ये कोई अगर जीव जंतु मर जाता है तो उस पर ये सड़ा करके, उसको गला करके और सूक्ष्म घटकों में तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार से 125 क्वेश्चन देखिए, 125। CNG संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। फॉर नेचर मींस प्रकृति, प्रकृति मींस पर्यावरण, पर्यावरण की देखभाल यही WWF करता है। ठीक है, इसके बाद इसके फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है नेचर, पर्यावरण की ही ये देखभाल से संबंधित काम करते हैं WWF। इसका प्रतीक चिन्ह होता है ज्वाइंट पांडा, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। आगे देखते हैं 127 नंबर, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से इनमें से सभी, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण। 129 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण और प्रजातियों के जनसंख्या का रखरखाव प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसको कन्फ्यूजन में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मिल नहीं पा रहा है। इसका शायद आंसर ये हो सकता है, परिधीय संरक्षण। इसके बाद देखिए 130 नंबर, 130, इसका सही आंसर है ऑलिव रिडले। क्या है इसका सही आंसर? ऑलिव रिडले। अगला देखिए 131, कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जल प्रदूषण कारण नहीं है, मृदा प्रदूषण नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण। ठीक है, जो प्रकृति में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसें जैसे ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है। ठीक, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग कितना है? 3/4, लगभग 75% भाग पर महासागर पाए जाते हैं। इसके बाद आइए 133, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। 134, कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन है? ये है इनमें से सभी। 135, भारत और दूसरे तो प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकते हैं? प्लास्टिक के थैले का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन एक कारक है? तो इसका सही आंसर है वाहनों से निकली गैस, वाहनों से निकली हुई गैस, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, इसके बाद
137 धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क। इसके बाद पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज है? ये तो सबको लगभग लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 21%। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती हैं और पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है जो भोजन निर्माण में सहायक होता है, इसलिए सभी हरे पौधे। इसके बाद है 144 ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसीबल में। डेसीबल में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। एयर पॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं वृक्षों के द्वारा, पेड़ पौधे लगा करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इसके बाद सूर्य के हानिकारक किरणों में पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, और ये ओजोन लेयर पाई जाती है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को परावर्तित करके लौटा देती हैं या अवशोषित कर लेती हैं, ये पृथ्वी तक नहीं आने देती हैं। तो ओजोन लेयर में आजकल ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक प्रयोग के कारण ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है। ओजोन लेयर में छिद्र और नष्ट हो की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस वजह से ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग हमें कम से कम करना है। किसी जगह के और ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये हम लोग जो फ्रिज और AC यूज करते हैं इनसे CFC गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से पर्यावरण की ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। ठीक है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधे और जंतुओं को। पेड़ पौधे और जंतुओं को, फ्लोरा एंड फौना। तो ये जो आंसर की आपको प्रोवाइड की गई है, ये सटीक विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। मित्रों, आप इसको बिल्कुल 100% करेक्ट मानकर चलिए और इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गूगल पर सर्च करने के बाद और अच्छी किताबों का विश्लेषण करने के बाद आपको ये आंसर की प्रोवाइड की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।